हेलो, आप देख रहे हैं रेडियो महारानी, सीधा ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। रेडियो वाला तुषार है आप सभी के साथ, और मेरे साथ आज स्टूडियो में राव पृथ्वी सिंह जी हैं। प्रो रेसलर हैं और रेसलर आप पर्सनालिटी से भी बाकी देख सकते होंगे, बिल्कुल बॉडी और सोला का डोला है सर का। तो अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, मतलब मूवी वाली पूरी लाइन यहां पर फिट हो रही है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका रेडियो महारानी। सर रेसलिंग करियर, मतलब मैंने, आपने 2016 में डेब्यू करा जहां तक मुझे पता है, तो ये कहां से शुरुआत हुई और 2016 में डेब्यू वाली फीलिंग कैसी थी? ये तो सर मैं जो एक जो खली सर ने बोला कि आपका तुम्हारा डेब्यू मैच है, डेब्यू मैच है, तो उस जब मैच चल रहा था तो उसके जो बैक स्टेज होता है ना, तो उसमें सोचा क्या होगा, क्या करना है, फाइट कैसे होगी। अब वहां पे जाके मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। फिर जैसे जैसे बैक स्टेज से एंट्री के दौरान कि राव पृथ्वी सिंह की एंट्री फलाना जिनका, तो जब एंट्री तो लोगों ने जैसे चिल्लाने स्टार्ट किया, पॉप हो रहे थे, क्राउड अच्छा था, तो जैसे एंट्री आया तो थोड़ा बोला रिंग के अंदर घुसा, फिर जो सिग्नेचर करते हैं वो किया। उसके बाद तो बस ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो नहीं, तो नहीं करना ये तो नॉर्मल है कि, और जितनी आज भी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं गुजरात फाइट खेल के आया हूँ 25 दिसंबर को, तो बैक स्टेज तो फिर भी मेरे वो भी होता, आज भी होता है वो मेरे साथ ही, हर किसी के साथ धक धक होता है। हाँ, जैसे ही पब्लिक का चेहरा सामने आया और रिंग दिखा, उसके बाद तो बस हाँ कुछ नहीं है, तो नॉर्मल ही है। अच्छा, रिंग की आपने बात करी, और रिंग में जब आप एंट्री लेते हैं तो इसी लुक में लेते हैं जो लुक अभी आपने कैरी करा हुआ, बस हाथ में एक लट और होती है। तो सर बाकी रेसलर्स होते हैं वो कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं, पर आपने ये लुक क्यों चूज किया? मैंने इसलिए चूज किया कि भैया मेरे पास इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाया मैं उस टाइम, तो पिताजी से जब मेरी बात हुई तो पिताजी ने दो चार गालियां बकी, तो बकने के बाद बोले कि यार तेरे दादा परदादा धोती कुर्ता खेलते खेलते मर गए, क्योंकि मेरे पिताजी भी एथलीट है, मतलब हमारे पूरे परिवार में एथलीट ही है। तो मैं बोला ठीक है, मैं पिताजी से ज्यादा बोलने की मेरी तो आज भी हिम्मत नहीं है। तो 200 रुपए का धोती आया था, 170 में कुर्ता आया था, तो ये लेके धोती पिताजी ने सिखाई, और फिर पगड़ी की कसर रह गई थी। तो जब खली सर के पास कुछ दिन पहले वो गए थे प्रोग्राम में, तो मैं उनसे सर आपकी पगड़ी दे दो, तो बोला कि आप मान लो क्या करेंगे, आप दे दो, आप दे दो बस पगड़ी। फिर मम्मी ने जैसे जैसे बताया वो बंदा है, तो आज खुद ही पगड़ी बांधते, खुद ही धोती पहनते, आज इसी से मेरे को लोग जानते हैं, पब्लिक इसी लुक से आज आपको जान रही है, सब जान रही है। एक चीज है, जब आप रिंग में उतरते हैं लोगों के अलग अलग साइंस होते हैं कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट आपका एक साइन है जो आप एंट्री करने के बाद अपने ऐसे करके करते हैं। सर एक बार वो जरूर देखना चाहूंगा, वो कैसा होता है? नॉर्मल आप भी करेंगे, आप बताइए कैसे है, बिल्कुल ट्राई करेंगे। क्या बात है, ये मूव करने के बाद आप रिंग में जो भी आ जाए उसको, क्या बात है, बस इसके बाद जो चढ़ गए तो चढ़ गए, ये पूरी आपकी जो मूव होती है। सर एक आपका जो हेलीकॉप्टर शॉट है, एक एमएस धोनी के पास हेलीकॉप्टर शॉट है, एक आप है, आपके पास हेलीकॉप्टर शॉट है, सर वो कैसे मिला हेलीकॉप्टर शॉट, कहाँ से डेवलप हुआ? वो एक मेगा शो था, उसमें किस मास्टर साथ मेरा मैच चल रहा था, तो मैं सारे दाव पे से लगा चुका था, वो मैं कहीं ना कहीं वो मात नहीं दे पा रहा था मैं उनको, तो कुदरती क्राउड जो पॉप हो रहा था, जो मेरे को मेरे पर हिट चल रही थी, तो वो हाथ घूमता चला गया, घूमता चला गया, तो मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था कितनी रफ्तार में चला गया, और चलते चलते वो उनके पेट में लग गए। लगने के बाद मैंने उनको पिन किया, वो हो गया, पर मैं जीत गया। जीतने के बाद खली से बोले कि यार ये क्या है, बोलो सर जी मुझे खुद ही नहीं पता है कैसे हो गया, लोगे इतना तेज मत घुमाएगा नहीं हाथ निकल के उड़ जाएगा। बोला सर जी अब जो हो गया तो ठीक है, तो ये बढ़िया है, तेरा सिग्नेचर है, और आज से इसका नाम खली सर ने दिया है हेलीकॉप्टर शॉट। क्या बात है, खली सर ने इसका हेलीकॉप्टर शॉट नाम दिया, और ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर का जैसे पंखा है ना वैसे ही घूमता है जोरों से बिल्कुल, और सामने वाला वहीं पर चित्त हो जाता है, और आखिरी अगर आपकी भाषा में बोलूं तो पिन हो जाता है वहीं पर। तो ये हो जाता है। सर अभी तक का कोई ऐसा मैच जो आप लाइफ में कभी ना भूल पाए, कि वो मैच हमेशा याद रहेगा? मेरा मैच यादगार के तौर पे मेरा हुआ था जयवीर जस्टिस जी, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और ऑलरेडी डब्ल्यू में खेल चुके हैं वो, जब उनके साथ मेरा मैच था तो मैं जब उनके पास पहले गया तो मैं बोला नमस्कार नमस्कार, इंग्लिश में एक ट्रांसलेटर को लेके गया, बोला जी मेरा मैच आपके साथ है, थोड़ा धीरे मारना मुझे थोड़ा धीरे मारना, तो मुस्कुराने के बाद वो थोड़ा सा हंसी मजाक किया, कोई बात नहीं मैच कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बोला क्या कह रहे हैं, ये कह रहा हूँ, चलो अच्छी बात है। फिर मैंने धोख खाया उनके चरणों में, ठीक है कुछ हो ही जाए, तो दो खाने के बाद ठीक है भैया, जैसी हमारी एंट्री हुई मैच में, तो उन्होंने आपके के साथ ही मेरे को घुमा दिया घुमाने के बाद में बोला मेरा पैर छोटा भी खराब हो गया यार, सब बेहद हो गया, मतलब अब तो लड़ना ही लड़ना है। तो कुदरती क्या है, मैंने गलती से मेरा हाथ उनके पीठ पे पड़ गया,
तो जो आउट ऑफ कंट्री के जो रेसलर होते हैं ना, जो पीठ पे जब लगता है ना, तो वो पता नहीं वो जैसे एक गुस्सा सा आ जाता है। उन्होंने कम से कम ना तो 2.5 मिनट तक तो मेरी फिरकी सी बना दी थी, फिरकी सी बना दी थी। ये था कि जीत मेरी हुई थी, ये सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात कि इसके बाद भी आप जीते, और सर आपको बहुत सारे टाइटल मिले, जैसे एक इंटरनेशनल आइकन टाइटल मिला है, उसके बाद इंडिया में बहुत सारे टाइटल मिले, सर वो फीलिंग कैसी थी? बहुत बढ़िया है, और कहीं ना कहीं 16 बार में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी रहा। क्या बात है सर, वो बेल्ट लेके जब रिंग में एंट्री करते हैं वो फीलिंग कैसी होती है? वो तो समझिए, मैं तो ये सोचता था कि आज का राजा मैं ही हूं, मगर बैक स्टेज तो सोचता था इसकी जरूरत मुझे नहीं। जैसे ही एंट्री होती है पब्लिक में, जब लगता है आज का राजा मैं ही हूं, और ये जीतनी है मुझे, जीतनी है। क्या बात है। तो सर हमारे साथ थे राव पृथ्वी सिंह जी। सर थैंक यू सो मच, आप आए और रेडियो महारानी पे इतनी सारी चीजें शेयर करी, और मुझे ये मूव सिखाने के लिए सबसे मेन थैंक यू, जो आपने अपना मेरे को फिट मूव बताया, मैं याद रखूंगा आप कैसे करते थे। थैंक यू सो मच सर, एंड आते रहिए ऐसे ही, हमारे साथ जुड़े रहिए।